37, प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है? 2/5/2x, ठीक है, 5/2x प्लस 7/3y बराबर 3, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर हम 6 का गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा, ये 6 का गुणा कर लें तो ये नीचे की वो कट जाएंगी सारी, ठीक। 6 का गुणा अगर हम कर लें तो 5 3 15x हो जाएगा, ये तो पहली बात थी, ठीक। प्लस और 6 का गुणा कर लें तो 7 2 14y हो जाएगा, बराबर 6 1 6 6 3 18, ठीक, 186 हो गया। अब दूसरा समीकरण देख लेते हैं, दूसरे समीकरण में अगर हम 5 का गुणा कर लें तो ये भी हो जाएगा 15x माइनस 5y बराबर 5 3 15, और अगर इसको घटा दें तो माइनस प्लस माइनस, 15x से 15x कट गया, ये हो गया 19y, 19y बराबर 5, वो 6 में से 5 गया 1, ये बच गया 7, 171, 19 9 है 171, 9 बार में कट जाएगा तो y बराबर 9 आ गया। जब y बराबर 9 आ गया तो y का मान हम उठा के रख दें इस इक्वेशन में, y का मान यहाँ पे अगर हम रख दें तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 9 बराबर 3, ठीक। तो 3x बराबर कितना हो गया, 12, तो x बराबर कितना हो गया, 4, x बराबर 4 है और y बराबर 9 है, तो y हर हाल में बड़ा है, y जब हर हाल में बड़ा है तो 37 का उत्तर क्या आ गया, सी, सी आ जाएगा ना भाई, जहाँ पे y हर हाल में बड़ा है दिया हुआ ऐसा।